बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। फैसला जिसके भी फेवर में आए, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2030 के बाद देश भर में डीएलएड के कोर्स बंद हो जाएंगे और बीएड ही एकमात्र कोर्स रहेगा शिक्षक बनने के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक। उस कंडीशन में बीएड को प्राथमिक से नहीं हटाया जा सकता। इस बात में कितनी तर्क है और कितनी सच्चाई है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस बात में पूरी सच्चाई है कि वर्ष 2030 तक बीएड के अलावा जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे जेबीटी हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, ईटीटी हो, बीएचटीसी हो, बीएलएड हो, सभी कोर्सेज को बंद करने की सिफारिश की गई है। एकमात्र कोर्स होगा कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए, जिसका नाम होगा बीएड। तो क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट एक तरफा और सिर्फ इसी को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र मान सकती है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब यह मामला माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में गया था तो वहां पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बातों को रखा गया था, लेकिन फैसला क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके तर्क हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत का राजपत्र जो कि एनसीटी के द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को गजट जारी किया गया था, उसमें बीएड को जब शामिल किया गया तो इसमें एक लाइन मेंशन किया गया था, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। इसमें एक वर्ष का बीएड होना चाहिए, 2 वर्ष का बीएड होना चाहिए, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आप लोग को ज्ञात होगा कि 2015 से पहले देश भर में 1 साल का बीएड कोर्स चलता था, जिसको एनसीटी ने 2015 के बाद से बंद कर दिया पूरे देश भर से। ठीक है, तो क्या वो सभी कोर्सेज जो बंद हो चुके हैं वो मान्य नहीं है आज शिक्षक में? पूरी तरीके से मान्य है। जितना आज का बीएड कोर्स वैलिड है, उतना ही 2015 के पहले का 1 वर्ष का बीएड कोर्स वैलिड है। तो ये कहना कि 2030 के बाद से डीएलएड कोर्स और जो भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सब बंद हो रहे हैं, इस वजह से बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा, ये तर्क से परे है। क्यों परे है, इसको समझिए। अगर 2030 के बाद से डीएलएड और सभी कोर्सेज को बंद करने की बात की जा रही है और एकमात्र कोर्स बीएड होने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर बीएड कोर्सेज में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि अगर यही कोर्स होगा सिर्फ प्राइमरी में और अपर प्राइमरी, उसके बाद से मिडिल और अपर मिडिल क्लास में शिक्षक बनने के लिए, तो उनके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वही बदलाव आज आप 6 माह के ब्रिज कोर्स के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि आज का जो बीएड कोर्स है वो डीएलएड कोर्स के समकक्ष नहीं है, उसके समकक्ष आने के लिए और प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए उसको 6 माह का अलग से कोर्स करना पड़ा है। यही कोर्स आने वाले समय में वर्ष 2030 के बाद से जो बीएड का नया कोर्स जारी किया जाएगा, उसमें 6 माह का कोर्स जो अभी ब्रिज कोर्स किया जा रहा है वो उनके सिलेबस में पहले से इंक्लूडेड होगा, और इसी वजह से ये पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 2030 के बाद से बीएड कोर्स ही एकमात्र कोर्स होगा शिक्षक बनने के लिए। लेकिन उस समय का बीएड जो 2030 के बाद का बीएड होगा वो आज के बीएड से बहुत डिफरेंट होगा। तो अगर इस बात में सच्चाई है कि डीएलएड कोर्स और जो भी कोर्सेज है सब बंद हो जाएंगे, तो वही सच्चाई आज के बीएड कोर्स पे भी लागू हो रही है। आज का बीएड कोर्स और 2030 के बीएड कोर्स में जमीन आसमान का अंतर होगा। 2030 के बाद वाला जो बीएड होगा उसको अलग से ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आज के ब्रिज कोर्स, आज का जो बीएड किया हुआ अभ्यर्थी अगर 2030 या फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होता है तो भले ही वो बीएड है, लेकिन उस समय भी उसको ब्रिज कोर्स करना होगा, और 2030 के बाद वाला जो बीएड होगा उसको ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस बात में कोई तर्क नहीं है कि चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये मेंशन किया गया कि सभी कोर्सेज बंद कर दिए जाए, इसलिए बीएड को मान्य किया जाए, ये कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि आज का बीएड और 2030 के बाद वाला बीएड उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, ब्रिज कोर्स उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। देखिए, मेरा मकसद किसी भी पक्ष को डीमोटिवेट करना नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि जो तर्क आप लोग के द्वारा सोशल मीडिया साइट्स से लेकर के और कोर्ट में दिया जा रहा है, इसमें कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि जो कोर्सेज बंद हो जाते हैं पहले जो अभ्यर्थी कर चुके होते हैं उनको पूरी तरीके से मान्यता दी जाती है। आज अगर डीएलएड कोर्स आप कर रहे हैं तो 2030 नहीं, 2040 नहीं, आगे भी आपका पूरी तरीके से वैलिड रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये एनसीटी के आदेश के आधार पर ही ये कोर्स बनाया गया था। और जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर के, तो वो कानून बनाने की प्रक्रिया को लेकर के विवाद हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या मेंशन किया गया उससे विवाद ही नहीं है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें मेंशन की गई हैं उसके बारे में मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया कि डीएलएड कोर्स बंद जरूर होगा, सभी कोर्सेज बंद हो जाएंगे, बीएड कोर्स ही रहेगा, लेकिन आज का बीएड और 2030 के बाद का बीएड में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, और आज का किया हुआ बीएड अभ्यर्थी उस समय भी उसको ब्रिज कोर्स करना होगा अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो अलाउ होते हैं तो। उम्मीद करता हूं आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।